हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, यू आर वाचिंग स्टडी विद अभिषेक सर। आपका स्वागत है एक नई दिन एक नई सुबह के साथ। तो आज डे टू है परसेंटेज का। डे वन में हमने क्या पढ़ा? फ्रैक्शन पढ़ा, मतलब फ्रैक्शन को बेसिक लेवल से जाना, कह रही बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रैक्शन, नॉमिनेटर डोमिनेटर एकदम जीरो लेवल से हमने स्टार्ट किया। मतलब अब फिर फ्रैक्शन को कैसे इन्वॉल्व करेंगे, कैसे मतलब फ्रैक्शन की सवालें आती हैं उनको हमने देखा और एकदम इजी लेवल से हमने सॉल्व किया। तो आज फ्रैक्शन का मानने में देखा जाए तो आज फ्रैक्शन स्टार्ट होगा और एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को घंटी को दबाइएगा ताकि जब जब मैं वीडियो डालता रहूं आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिना समय गवाते हुए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिशत मतलब क्या होता है। जैसे ये प्रतिशत लिखा है, ठीक है, प्रतिशत मतलब मैं आपको बताऊं एक्चुअली में, ठीक है, प्रतिशत मतलब क्या होता है, ठीक है। जो ये प्रति मतलब होता है, प्रतिशत मतलब एक, ठीक है, और ये शत मतलब होता है हंड्रेड, ठीक है, यानी कि 100%, ठीक है। अगर हमने ये कहा मार्कर 25 रुपया ना भैया, तो इसकी दाम 100% है, ठीक है, यानी कि जो आपका सीपी रहेगा, जो आपका रहेगा वो एक्चुअली किसकी वैल्यू रहेगी, 100% की वैल्यू रहेगी। मैं कहूँ आपकी कुछ भी कोई चीज़ है, कोई भी सीपी है, तो एक्चुअली में उसकी 100% वैल्यू होती है। जैसे मैंने कहा, चलिए ठीक है, आपको पता हो गया प्रतिशत का मतलब। आप देखिए, जैसे मैंने कह दिया भैया कि मैंने एक पेन खरीदा और पेन का दाम था 6 रुपया, ठीक है, पेन का दाम था 6 रुपया, तो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू है यानी कि 6 रुपये के दाम कितनी है, 100%। अगर इसमें से 50% डिस्काउंट करता है तो इसको हम कहेंगे 3 रुपया देगा। कहते नहीं आप दुकान वकान पे जाते हो तो डिस्काउंट आपको मिलता है, तो एक्चुअली में आप कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, कितनी परसेंटेज होती है, 100। प्रति माने एक होता है और सत माने 100 होता है, ठीक है। आप देखिए इस टाइप का आपको मिल गया। आप कैसे सॉल्व करते हैं, अगर मैंने कहा कोई चीज़ है, मैंने कहा यक्स, किसी का दाम यक्स है, तो एक्चुअली में उसको परसेंटेज कहेंगे, तो यानी कि एक्स परसेंटेज कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्स प्रतिशत है भैया। किसी का दाम अगर मैंने कहा एक्स है तो उसकी प्रतिशत क्या हो गई, एक्स परसेंटेज। अब देखिए एक्स परसेंटेज है, अगर इस तरीके से मिला तो एक्स परसेंटेज को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे 100 से भाग देना पड़ेगा। तो इस तरीके से सॉल्व, अगर आपको इस तरीके से दिखता है कहने का मतलब क्या, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपके पास 25% है, ठीक है, 25% है, तो इस प्रतिशत को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे भाग देना पड़ेगा, यानी कि इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 25/100 करना पड़ेगा। 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/4 आएगा इसका आंसर, ठीक है। आप देखिए, मान लो फ्रैक्शन में हो, अगर इस टाइप में आ गया तो आप क्या करोगे, मान लो इस टाइप में था तो आपने सॉल्व कर लिया। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी की भी वैल्यू रहे आपके घर में, अगर टीवी है 10,000 की, तो एक्चुअली उसकी 100% वैल्यू है। सबसे पहले प्रतिशत को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमको 1% निकालनी वैल्यू आनी चाहिए कि किसी चीज़ की 1% वैल्यू कैसे निकली जाए, ठीक है। हमने कहा भैया किसी का दाम कितना है भैया, हमने कह दिया आप टूट वॉच खरीदे, घड़ी खरीदे, उसकी दाम 100 रुपया थी भैया। वॉच आपने खरीदा, उसकी दाम कितनी थी, 100 रुपया। मैंने कहा भैया इसका 1% बताइए कितना होगा, ठीक है, 1% कितना होगा, तो तुरंत कुछ नहीं करना, 100% था तो तुरंत परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो काटेंगे, कट जाएगा, 1 एकम 1, तो इसकी कितनी आई, 1% की वैल्यू कितनी आई, 1% की वैल्यू आई 1 आई, समझ गए आपने। अब जैसा मैं कुछ ले लूं, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कोई, ठीक है। जैसे मैंने कहा कोई आपने घड़ी लिया, फिर से आपने घड़ी लिया, चलो इस बार कुछ और ले लिया आपने, कोई ठीक है बैग ले लिया, 400 रुपये का बैग लिया, ठीक है। एक्चुअली में जो इसका 400 है वो कितने परसेंट के बराबर है, ये एक्चुअली में आपके कितने परसेंट के बराबर है, ये 100% के बराबर है, ये चीज़ याद रखिएगा। मैंने कहा भैया आप दुकानदार होंगे आपको वो छूट देंगे भैया 50%, 40%, 30%, तो 400 जो है एग्जैक्ट वो कितने के बराबर है, 100%। याद रखिएगा कोई भी आप सामान खरीदते हैं तो उसकी एग्जैक्ट परसेंटेज कितनी होती है, 100% की होती है, यानी कि सीपी आपका 100% होता है, कॉस्ट प्राइस, क्रय विक्रय, क्रय मूल्य, जो भी आप बोलो हिंदी में, ठीक है। तो 400 रुपये की घड़ी खरीदी, 100% था भैया। उसने क्या कहा कि पहले तुम आप 1% की वैल्यू निकाल के दिखाओ। अब 1% की वैल्यू निकालने के लिए कहा तो पूरा कुछ नहीं करना, 400 जो परसेंटेज है, ये जो 400 परसेंटेज है भैया, इस परसेंटेज को हटा दीजिए, 400/100 कर दीजिए, परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 करना पड़ेगा, काट दीजिए, ठीक है। परसेंटेज को हटाने के नीचे हमने 100 से डिवाइड किया, अब 0/0 काट दिया, और 1% की वैल्यू कितनी आई, 1% की वैल्यू आई 4।
तो यानी कि जब भी हम किसी को 1% की वैल्यू निकालना होगा तो हम एक्चुअली में क्या करेंगे, उसका 100 से डिवाइड करेंगे, इस टाइप का रहेगा। जैसे हमने ले लिया, चलो एक पॉइंट में ले लेते हैं हम आपको। मैंने कहा भैया किसी की दाम, मान लीजिए किसी आपने सब्जी लिया 325 रुपए का, इसका एग्जैक्ट वैल्यू किसके बराबर है भैया, 100% के बराबर है, ठीक है। मैंने कहा भैया इसमें से दुकानदार ने क्या कहा कि भैया 1% की वैल्यू बताइए, तो 1% की वैल्यू मतलब आपने 100 से डिवाइड करनी है, डिवाइड किया। अब इसको डिवाइड करने मत बैठिए भैया कि डिवाइड करने लगा, इसको लिख दीजिएगा तुरंत 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ दो अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो आएगा 3.25। ना विश्वास हो तो आप ऐसे इस तरीके से 100 में 325 का डिवाइड कर लीजिए, 100 तिया 300, कितना बचा 25 बचा, दशमलव लगा के हमने जीरो बना दिया, 100 दूसरा 200 और 100 पचे 500, एक्चुअली में 3.25 इसकी वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से मिलेगा तो आप भाग करने मत बैठिएगा, सीधे दो अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर मैंने कहा 4096 रुपये कोई सामान आपने खरीदा, ठीक है, अब इसका 1% की वैल्यू बताइए, 1% की, तो कुछ नहीं करना है, दो अंक के बाद दशमलव आपको लगा देना है, इस टाइप का, ठीक है। कोई भी वैल्यू दे दिया, कुछ नहीं का भी आपने खरीदा, मान लीजिए मैंने कहा आपको 16,600 का टीवी खरीदा आपने, कहा कि भैया 1% की वैल्यू बताइए, 1% की वैल्यू मतलब 100 से कर दो, ठीक है, 100 से 10 कैंसिल हो गया, तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 168 आई, ठीक है। अब 1% की एक वैल्यू 168 आई। अब इसी तरीके निकाल सकते हैं, आपको 50% की छूट दे दिया मान लो, तो इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इस तरीके से हम वैल्यू किसी का निकाल सकते हैं, ये तो था। चलिए अब कोई चीज फ्रैक्शन में हो उसको कैसे सॉल्व करें, देखिए परसेंटेज को पढ़ना है, ठीक है, तो ये आपको एकदम बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एकदम नहीं ऐसे कि आप तेजी से भागो, ठीक है, वो भी ट्रिक भी सिखाया जाएगा लेकिन उसके लिए आपको समय लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये था, अब मान लीजिए, ठीक है, अब मैंने आपसे कहा भैया कि अब बटे में आ गया, मैंने कहा भैया आप बटे में आ गया 4/5, इसको परसेंटेज में चेंज करके दिखाइए, तो अगर इस टाइप का बटे में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो डरने की जरूरत नहीं है, तुरंत इसमें मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। जब इस तरीके से रहे तो क्या करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, और अगर फ्रैक्शन में रहे तो इसको चेंज करेंगे। अब काट लीजिए, ठीक है, काट लीजिए 20/25 100, तो 20 और 4 का गुणा हो जाएगा, तो 20 चौक 80%, यानी कि 4/5 कितना परसेंट था, 80% था भैया, ठीक है, 4/5 कितना था, यानी कि 5 जो भाग था, 5 का 4 भाग कितना होगा, 80% होगा। ऐसे और मैं कुछ ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने कहा कुछ और आंकड़ा ले लिया, मैंने कहा भैया 3/10 ले लिया, भैया 3/10 कितना परसेंटेज है, कुछ नहीं करना है, अगर आपका फ्रैक्शन में है तो क्या करना पड़ेगा, गुणे 100 करना पड़ेगा, तो गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है, 10 × 2 = 100 हो गया, ठीक है, 10 × 2 = 100 हो गया, और 10 × 3 = 30, यानी कि परसेंटेज कितनी आई, 30% आई। ऐसे ही आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए जो अभी मैं आपको बताऊंगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लूं, आप देखिए एक और एग्जांपल लेने का मैं कहा, चलिए मैंने कुछ ले लिया, चलिए इस बार मैंने ले लिया 15, ठीक है, अपान 25 ले लिया, मैंने कहा भैया 15/25 का आप परसेंटेज वैल्यू बताइए, परसेंटेज कितना होगा, कुछ नहीं करना भैया, गुड़े 100 कर दीजिए, ठीक है, 25 चौक 100, ठीक है, एक्चुअली में कितना हुआ, 60% हुआ, यानी कि 15/25 एक्चुअली में उसकी वैल्यू कितनी है, 60%। अगर आप इससे फ्रैक्शन में, अब दुकानदार तो फ्रैक्शन में बेचेगा नहीं, वो तो अपने मूल्य पे ही बेचेगा भैया। अगर मैंने कह दिया, ठीक है, आपने कपड़ा खरीदा मार्केट से, ठीक है, मार्केट से खरीदा और जींस आपका था 1000 रुपये का, ठीक है, 1000 था। अब देखिए कैसे निकालते हैं, दुकानों पे सामान खरीदते हैं तो कैसे निकालते हैं, अब 1000 रुपये का जींस था भैया, और दुकानदार ने कहा भैया आपको, आप देखिए अगर आपने ये सीख गया तो तुरंत आप निकाल लेते हैं, कई दुकानदार होते हैं कि आपको काफी तरह वो कर देते हैं, ठीक है, तो अगर इस ये सीख गए तो आप तुरंत झट से निकाल उनको आंसर बता दें कि भैया आपका इतना रुपया हुआ, ठीक है, तो 1000 रुपया मान लीजिए आपका जींस की वैल्यू है, ठीक है, दुकानदार ने कहा भैया चलो आज आपकी 80% छूट है, चादी लग गई, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 0 0 कट गया, यानी कि आया कितना, 10 रुपया, यानी कि ये 10 जो है एक्चुअली में कितना परसेंट है, 1% है, कितना परसेंटेज है, 1% है, तो हमें कितने का छूट दे रहा है भैया, 80% का छूट दे रहा है, तो 80 × 10 = 800 रुपया, ठीक है,
800 रुपये का छूट मिला, एग्जैक्ट दाम कितना था? 1000 था। तो 1000 में से 800 गया तो कितना बचा? 200 बचा। तो हमें उस दुकानदार को कितना देना है? 200 रुपया देना है ओनली। इस तरीके से हम और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अगर मैं कहूं, ठीक है चलिए, अगर मैं कहूं ठीक है आप कहीं भी गए ठीक है भैया, आपने कहा कि भैया पूरी शॉपिंग आपने 7000 की कर ली, ठीक है दुकानदार ने कहा, दुकानदार तो बहुत अच्छा था भैया, कहा भैया कि आपने 7000 की शॉपिंग की है, इतनी बड़ी शॉपिंग की है, तो आप लोग मैं आपको 20% की छूट दूंगा। दुकान पे जाते ही होंगे, अब 20% की छूट दूंगा, ठीक है अब 20% की छूट दूंगा, तो सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालिए। 1% कितना होगा? तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। 1% निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0 0 कट गया, ठीक है, और कितने परसेंट की छूट दे रहा था? 30% की छूट दे रहा था, तो ये 70 बचा कितना? 70% किसकी वैल्यू है? 70% एग्जैक्ट आपकी 1% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू 70 रुपया, तो छूट कितने का दे रहा था? 30%। तो 70 × 30 करेंगे तो एक्चुअली में 3 × 7 = 21 आएगा 00, यानी कि 6000 के सामान में आपको कितने का छूट मिल रहा था? 2100 का छूट मिल रहा था। तुरंत माइनस करेंगे, दुकानदार को पैसा देंगे, आप इस तरीके निकाल सकते हैं। यानी कि आपको अगर आप सीख गए तो इसी में आपको डिस्काउंट भी होगा कवर, ठीक है अलग से इसकी चीज पढ़ाई जाएगी, लेकिन इतना था, ठीक है। अब चलिए ये तो था, चलिए ये था कि फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन में परसेंटेज कैसे निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए सबसे पहले चीज, ठीक है मैंने आपको बताया कि कोई चीज है, किसी को भी मान लीजिए, कोई भी आपने चेयर लिया, कुर्सी लिया, मान लीजिए आपने चेयर लिया, ठीक है चेयर का दाम था कितना? 430 रुपया। ये जो 430 रुपया सीपी है, एक्चुअली में कितना है? 100% है। कितना है? 100% है। जो आपका सीपी होता है वही होता है। अब मैंने कहा इसका 1% बताना, तो तुरंत डिवाइड नहीं करेंगे, दो अंक के बाद दशमलव चिपका देंगे, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी होगी? 4.30, यानी कि 1%, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल की वीडियो में पढ़ेंगे day 3 में और इसको अच्छे से ले जाएंगे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।